नवादा में एनडीए व राजद की बड़ी हार, निर्दलीय प्रत्याशी ने मारी है बाजी। तेजस्वी की टूट गई कमर तो नवादा में सीएम नीतीश कुमार से सब कुछ खत्म। नवादा में एमएलसी चुनाव की जोरदार टक्कर देखने को मिली थी, जहां पर नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ प्रसाद के भतीजे निर्दलीय उम्मीदवार अशोक यादव को 1268 वोट मिले हैं और अब तक दूर दूर तक उनके टक्कर में कोई भी नहीं है। अशोक यादव की जीत पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। एनडीए से जदयू के सलमान राघव को 684 वोट मिले हैं, वहीं आरजेडी के श्रवण कुशवाहा को 644 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि नवादा में कुल वोटरों की संख्या 2872 है, जिसमें मताधिकार में मत पेटी में 2862 वोट पड़े हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है, लेकिन नवादा में अशोक यादव की जीत तय हो गई है। 1300 वोट हासिल कर चुके हैं और बस कुछ ही वोट हमको लगता है 5-10 वोट की और जरूरत है, जो अगर फर्स्ट वरीयता में नहीं पूरेगा तो दूसरे में जरूर पूर जाएगा। तो क्या जीत हो गई है? लगभग मान के चलिए सर जीत है। क्या कहिएगा, जीत का श्रेय किसको दीजिएगा? जीत का श्रेय राजवल्लभ यादव जी को जाता है, जो उन्होंने कार्य जमीन पे किया है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, वो जनता अपना फर्ज फिर से निभाने का काम किया है। और हम, हमारे परिवार के लोग, तमाम लोग, सब लोग हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, सेवा किए हैं, उसी का फर्ज, उसी का कर्ज जनता ने लौटाने का काम किया है। सवाल है अशोक जी, सवाल है मेरी, एनडीए और आरजेडी के लिए क्या कहिएगा? कोई एनडीए नहीं, कोई आरजेडी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजवल्लभ यादव चलाना वादा में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।